ओके जी, सो टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म लैब नंबर 11। एंड लैब नंबर 11 जो है, शायद प्रीवियसली आपके जो कोर्सेज थे, जो कोर्स कार्ड था उसमें नहीं थी, जस्ट 12 प्रैक्टिकल्स थे उसमें। लेकिन नाउ आई हैव एडेड सम प्रैक्टिकल्स, और क्योंकि ज़रूरी हैं, बिकॉज ज़्यादा आप लोगों का काम जो है वो डीसी मोटर से ही रिलेटेड होगा। तो अगर आप अपने जो आपका आपकी क्लास है, ठीक है, इसमें जो गूगल क्लासरूम है इसमें आप चले जाएंगे, तो यू विल सी काफ़ी नीचे 19 मार्च को मैंने ये पोस्ट किया हुआ है कोर्स कार्ड। और इस कोर्स कार्ड के अंदर यू विल फाइंड के आई हैव गिवन ऑल द लिस्ट, और सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इसमें अब ये हमने तकरीबन जो प्रैक्टिकल्स कवर कर लिए हैं, हमारे लोड करेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर तक है। और बल्कि इसमें हमने तीन प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। जो डीसी मशीन थी इसमें हमने, शंट मशीन जो थी इसमें हमने तीन प्रैक्टिकल्स किए हैं, और वो एक यहाँ पे मिसिंग है, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा। एंड टुडे वी विल वर्क ऑन डीसी सीरीज मोटर, तो जस्ट एक मिसिंग है, वो भी मैं ऐड कर दूंगा इसमें। तो हमारे पास काफ़ी अच्छी जो ये एक सेट है हमारे पास बन जाएगा, ओवरऑल जो जितनी भी लैब्स हैं आपके पास। ओके, सो माशाल्लाह स्टूडेंट्स तो हैं हमारे पास, ज्वाइन किया हुआ है, तो अब जस्ट प्रोसीड। ओके, सो जो लैब नंबर 11 है, दैट इज़ अबाउट द लोड टेस्ट ऑफ डीसी सीरीज मोटर। एंड प्रीवियसली हमने जो काम किया था वो डीसी शंट मोटर पे किया था। एंड डीसी शंट मोटर्स जो हैं उसमें, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन उसकी करा दूं, तो जो मोटर के जो दो बेसिक वाइंडिंग होती है, जिसमें हमारे पास फील्ड वाइंडिंग है एंड आर्मेचर वाइंडिंग है। जैसे अगर आप इस एनिमेशन में भी देख लें, तो जो नॉर्थ और जो साउथ बन रहे हैं, दैट इज़ द फील्ड जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ हैं, इसको आप परमानेंट मैग्नेट भी लगा सकते हो, जो कि स्मॉल मोटर्स के केस में होता है। एंड फॉर लार्ज मोटर, जो बड़ी मोटर्स होती हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि फिर हम इसमें इलेक्ट्रो मैगनेट्स यूज़ करते हैं, यानी कि वाइंडिंग होती है। तो ये फील्ड वाइंडिंग मोस्टली जो है स्टेटर के ऊपर होती है। एंड देन जो अंदर आपको ये रोटेट करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ द आर्मेचर वाइंडिंग, और ये हमेशा डीसी मशीन के केस में रोटर के ऊपर होती है। और फिर जो आपको ये ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं, दीज आर दी स्प्लिट रिंग्स जो कि कम्यूटेटर के हैं, और गोल्डन कलर में या ब्राउन कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर दी ब्रशेस। तो अब जो डीसी मोटर के टाइप्स हैं, जिसमें शंट है एंड सीरीज मोटर है, एंड देन वी हैव कंपाउंड मोटर, तो ये टाइप्स क्या हैं एक्चुअली? ये टाइप्स जो हमारे पास हैं, दीज आर एक्चुअली दी कनेक्शन, जो हम कनेक्शन बनाते हैं इस फील्ड वाइंडिंग और इस आर्मेचर वाइंडिंग के दरमियान। तो ये बेसिकली दो सर्किट्स ही हैं। तो अगर ये दोनों सर्किट आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हों, तो वो शंट मोटर होती है। ये दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हों, तो वो सीरीज़ मोटर बन जाती है। और फिर आपके पास जब फील्ड एक से ज़्यादा हो जाए, एक सीरीज़ में कनेक्टेड हो, एक पैरेलल में हो या शंट में हो, तो फिर वो कंपाउंड मोटर बन जाती है, ठीक है। तो बाकी बेसिक कंस्ट्रक्शन सेम होती है, जस्ट इनके जो कनेक्शंस हैं वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सपेरिमेंट का? कि स्टूडेंट्स विल लर्न दी बेसिक कनेक्शंस ऑफ डीसी मोटर, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर, यानी कि आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है, इसको ऑपरेट करने के लिए। वी विल ऑब्जर्व द स्पीड एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज मोटर व्हेन लोड इज चेंज, एंड लर्न नीडेड
डिटेल्स ऑफ द सीरीज मोटर। एंड वंस अगेन, जिस तरह हम प्रीवियस लैब्स में करते आए हैं कि हम मोटर के ऊपर लोड डालेंगे और देखेंगे कि इसके पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। एंड देन जो अपैरेटस है उसमें हमेशा की तरह हमारे पास एक डीसी सीरीज और डीसी शंट की शंट का एक कपल सेट होगा। एंड अच्छा जी, यासीन कह रहे हैं क्या है वो एमरजेंसी, ठीक है यासीन, बस आप ठीक है, आपके फादर की तबीयत ख़राब, ठीक है, आप उनका ख्याल रखें और सही, आप अपना नेम और जो नंबर है आईडी यहाँ पे लिख दें। आई विल मार्क योर अटेंडेंस और आई विश कि आपके जो फादर हैं वो जल्दी रिकवर हो जाए, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक टुवर्ड्स द लेक्चर, तो डीसी जो शंट मशीन है, जो सॉरी डीसी जो सीरीज मशीन है और डीसी जो शंट मशीन है, इनको हमने कपल सेट हमने रखा हुआ है। एंड एज़ यू नो कि जो डीसी शंट मशीन है वो एज हम जनरेटर यूज़ कर रहे होते हैं और फिर उसके साथ हम डीसी सीरीज मोटर इस केस में एज अ मोटर यूज़ करेंगे और फिर कुछ इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लगे होंगे, जैसे कि आपके पास एम मीटर है, वोल्ट मीटर है, रियोस्टेट है, डीसी वेरिएबल पावर सप्लाई है, टैकोमीटर है जिससे हम स्पीड इसकी मेजर करते हैं, और वेरिएबल डीसी लोड्स हैं, कनेक्टिंग लीड्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक पैनल है जो कि डीसी सीरीज मोटर का है, आइडेंटिकल है जैसे हमारे पास जो डीसी मोटर थी जो कि शंट मोटर थी उसी की तरह का है ये। एंड इसमें अगर आप देख लें तो जो टॉप है इसमें हमारे पास कुछ मीटर्स हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर है, एम मीटर्स हैं, तो ये उसी तरह बिल्कुल जैसे हमारे पास जो हमारी डीसी जो शंट मशीन का पैनल था उसी तरह है, ठीक है। तो ये जो टॉप आपको नज़र आ रहा है, दीज आर ऑल योर मीटर्स, और लैब में भी जब हम ऑपरेट करेंगे तो इन मीटर्स को हम कम ही यूज़ करेंगे क्योंकि जो कि एनालॉग मीटर्स हैं वो वहाँ पे आपको ज़्यादा यूज़फुल हैं कि जहाँ पे फ्लक्चुएशन इतनी ना हो, रीडिंग ज़्यादा हो। तो अगर इनपुट फॉर एग्जांपल आप दे रहे हैं 100 वोल्ट्स का तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपके पास रीडिंग्स बहुत ही माइन्यूट उसमें चेंजेस होंगी, बहुत प्रिसाइज रीडिंग्स होंगी, तो फिर हम मल्टीमीटर यूज़ करेंगे जैसे कि हम प्रीवियस लैब्स में यूज़ करते आए हैं। देन सेंटर में आपके पास एक लोड सेल लगा हुआ है जी, लोड इंडिकेटर है एक्चुअली, और ये लोड इंडिकेटर जाके इस लोड सेल के साथ लग जाता है जो कि आपके जनरेटर के नीचे लगा हुआ है। एंड यू नो कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम टॉर्क फाइंड कर सकें जो कि इस पूरे शाफ्ट का टॉर्क है, तो वही हमारे जनरेटर का टॉर्क होगा, वही हमारी मोटर का टॉर्क होगा, बिकॉज ये जो हमारे पास जो भी शाफ्ट है वो कॉमन है दोनों के लिए, तो टॉर्क दोनों पे कॉमन होगा। ओके, देन ये एक मेन ब्रेकर है इसका, ठीक है, जो कि आप करंट प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं और ऑन ऑफ के लिए भी यूज़ करते हैं। एक एमरजेंसी स्विच यहाँ लगा हुआ है, ये आपको अक्सर मिलेगा जो भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स होंगे, जैसे कि जनरेटर होगा कोई, या कोई भी ऐसा जो कि सिस्टम कि जिसमें कोई जनरेटर या मोटर इन्वॉल्व होगी, तो वहाँ पे ये इमरजेंसी स्टॉपिंग के लिए यूज़ होता है। ये एक वेरिएबल डीसी सप्लाई है जो कि यहाँ पे आपको मिलेगी। सेंटर में आपके पास कुछ फ्यूजेस हैं जो कि रियोस्टेट के साथ कनेक्टेड हैं, एंड दिस इज़ द रियोस्टेट जो कि आपका वेरिएबल रजिस्टर है। तो अगेन मैं ज़रा सा इसको बना देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें, ये जो तीन टर्मिनल्स हैं ये इस किस्म के यहाँ पे इसके आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें जब आपने वेरिएबल के लिए यूज़ करना होता है तो सेंटर टर्मिनल लाजमी होता है, तो आप इस साइड से भी कोई लोड लगा सकते हैं इसको, ठीक है, और दूसरी साइड से भी, लेकिन इन आपने इधर से कनेक्ट करना है, तो मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। तो जो इनपुट है वो आप यहाँ से इसको दे देंगे और फिर आउटपुट यहाँ से आप ले लेंगे, तो मतलब एक सीरीज़ में कनेक्शन लग जाएगा।
आप इनपुट यहाँ से भी दे सकते हैं और आउटपुट यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम आपने दो टर्मिनल्स इसके यूज़ करने हैं। एंड अगर आप इसके आखिरी वाले दो टर्मिनल यूज़ करते हैं तो फिर क्या होगा कि फिक्स रेजिस्टेंस होगी, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये अगर इन और ये अगर आउट हो जाता है तो फिर ये एक फिक्स रेजिस्टर बन जाएगा। देन देर इज़ अ लोड जो कि आपका वेरिएबल लोड है, इसकी रेजिस्टिव लोड है, और सेंटर इन दोनों के दरमियान आपके पास एक डीसी पावर सप्लाई लगी हुई है। सो ओवरऑल टू डीसी पावर सप्लाईज़ हैं, बल्कि तीन आप कह सकते हैं अगर मैं इसको आपको बताऊं तो, ठीक है। एक पावर सप्लाई ये है, ये फिक्स है, ठीक है। एक पावर सप्लाई ये है, ये दोनों फिक्स पावर सप्लाईज़ हैं। एंड फिर एक यहाँ पे सेंटर में अगर आप देखेंगे तो एक वेरिएबल पावर सप्लाई है। कमिंग टूवर्ड्स दी मोटर जनरेटर सेट, तो अगेन अगर आप, ये आपका जनरेटर है जी, ठीक है। तो इसमें दो कनेक्शन हैं, अगेन अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका होगा F1 और F2, सही है जी। और फिर इसके साथ दूसरा तो ये हो जाएगा A1 और A2, मतलब फील्ड और आर्मेचर के ये कनेक्शंस हैं, ठीक है जी। देन जब आप अपने यहाँ पे देखते हैं जो मोटर है अपनी, ठीक है, दिस इज़ द मोटर, इसमें भी इसी तरह होगा जी। इसमें भी F1, F2 और फिर आपके पास A1 एंड A2, तो ये बस आसान से इसमें कनेक्शंस होंगे, चार कनेक्शंस हैं जी। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं सर्किट डायग्राम के ऊपर। और सर्किट डायग्राम अगेन जो इसका राइट साइड है, इससे आप जो है बहुत अच्छी तरह जो है आप वाकिफ़ होंगे, और इसको हम यूज़ करते रहे हैं फॉर डीसी शंट जो एक्सपेरिमेंट थे, और ये वही डीसी शंट जनरेटर ही है। एंड यू नो कि यहाँ पे हम F1 F2 के साथ क्या करते हैं कि एक सेपरेट हम डीसी पावर सप्लाई लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह। और फिर ये A2 है, तो A1 और A2 को हम क्या करते हैं, इसको फिर हम लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे ये लोड भी वेरिएबल होता है, लोड को चेंज करते हैं। जब हम लोड डालते हैं जनरेटर पे तो वो मोटर के शाफ्ट पे लोड डालता है ओवरऑल, और फिर मोटर पे हमारे पास लोड आ जाता है। आज जो नई चीज़ आपको नज़र आ रही होगी वो इस मोटर के कनेक्शंस हैं, A1 A2 और F1 F2 के। इससे पहले A1 और A2 जो थे वो पैरेलल में कनेक्टेड थे। अगर आप प्रीवियस लैब्स देखें तो वहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा कि दोनों का पॉजिटिव भी सेम था और दोनों का नेगेटिव भी सेम था, और पैरेलल कनेक्शन था, करंट दोनों में डिवाइड हो रहा था। लेकिन आज आप क्या देखेंगे कि करंट एंटर हो रहा है फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है। अगर यहाँ से अगर आप देखें, ये करंट इस तरह एंटर हो रहा है आपकी फील्ड वाइंडिंग में, और फिर यहाँ से निकल के ये जा रहा है आपके आर्मेचर को। तो मतलब कि अब क्या हो रहा है कि आपके पास एक तरह का सीरीज पाथ बन गया है, या आप कहते हो कि सिंगल पाथ है जी। सीरीज में हमारे पास क्या होता है कि सिंगल पाथ होता है, ठीक है। ये देखें, करंट इधर से एंटर हो रहा है और फिर यहाँ जा रहा है, फिर इधर से लीव होगा जी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है जी, एक सिंगल पाथ बन गया है करंट के लिए जो कि फील्ड और आर्मेचर दोनों से गुजर रहा है। अब सीरीज में कोई भी चीज़ लगाने का क्या फ़ायदा होता है कि एज यू नो कि सीरीज़ में ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो एड अप हो जाती है। तो जो फील्ड की रेजिस्टेंस है और आर्मेचर की जो रेजिस्टेंस है, तो वो क्या होगी, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगी। और इसकी मदद से आप क्या कर सकेंगे कि मोटर को ज़्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकेंगे। ज़्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट करने का क्या फ़ायदा है कि मोटर की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी जी, ठीक है। तो जो सीरीज़ मोटर है ये शंट मोटर से कैसे डिफरेंट है कि इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है उससे, ठीक है। एंड देन अगेन अगर वोल्टेज रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज फिर ये मोटर हमारे पास ज़्यादा बर्दाश्त कर सकेगी और ज़्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट हो सकेगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड,
अगर हम ये देखें कि जो करंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है, मींस के जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हम चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज पे हम ऑपरेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो आरपीएम हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो सिंगल पाथ की वजह से इसका करंट कम हो जाएगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से भी इसका करंट कम हो जाएगा। तो अब करंट कम होने का क्या नुकसान है? करंट कम होने का ये नुकसान है कि इसका जो आप कहते हैं कि जो लोड की कैपेबिलिटी है, ठीक है ना, जो लोड उठाने की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब इस पे लोड आएगा तो इसके आरपीएम जो है वो स्टोकेस्टिकली कम हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे इसके आरपीएम। और जो सीरीज़ मोटर की एक टाइप है जिसको एसी सीरीज़ मोटर कहते हैं, हम तो डीसी सीरीज़ मोटर पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक मोटर ऐसी भी आती है कि जो डीसी और एसी दोनों पे काम करती है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, उसको फिर आप ज़रा सा सर्च कर लें। यूनिवर्सल मोटर आपके पास जो सीरीज़ मोटर है उसकी एसी टाइप है, और ये कहाँ पे आपको मिलेगी? जो ड्रिल मशीन्स होती हैं अमूमन जो आपके घरों में या आप कहीं भी वर्कशॉप्स में जो ड्रिल मशीन्स यूज़ हो रही होती हैं वो सारी एसी सीरीज़ मोटर या यूनिवर्सल मोटर होती हैं। और अगर आप ड्रिल मशीन को देखो तो जब उसमें आप क्या करते हो कि जब ऐसे आप उसको चला रहे होते हो तो काफ़ी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है, लेकिन अगर उस पर लोड आ जाए, मतलब दीवार में आप ड्रिल कर रहे हो और कहीं पे सख्त कोई एरिया आ जाए जहाँ पे कंक्रीट काफ़ी ज़्यादा हो, तो फिर वो स्लो होना शुरू हो जाती है बड़ी जल्दी, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो है, मैंने जिस तरह आपको बताया है कि जो भी इसके मैंने पैरामीटर्स बताए, तो इसकी स्पीड लोड के साथ कम हो जाती है। इसके अलावा जो आपकी स्विंग मशीन है, जो सिलाई मशीन है, उसमें भी यूनिवर्सल मोटर या डीसी सीरीज मोटर यूज़ की जा रही होती है। एंड उसको उसमें अगर आप देखें तो उसमें आपके पास जस्ट एक सुई को उसने जो है ना वो घुमा चलाना होता है। और ओवरऑल जो सीरीज मोटर है प्रेफर किया जाता है कि ये अटैच लोड के लिए हो। अटैच लोड से ये मतलब है कि इस पे लोड वेरिएबल ना हो, चेंज ना हो रहा हो। जैसे कोई कन्वेयर बेल्ट होती है तो वहाँ पे तो लोड चेंज हो रहा होता है, तो वहाँ पे फिर आप शंट मशीन यूज़ करते हो, लेकिन जो सीरीज़ मशीन है इसको आप वहाँ पे यूज़ करते हो जहाँ पे लोड बस एक ख़ास लोड डिफाइन हो और इस पे काम हो रहा हो। जी अच्छा जी, तो प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं जी। पहले हम फील्ड और आर्मेचर को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम डीसी इनपुट वोल्टेज देंगे 100 वोल्ट्स का। आफ्टर दैट हम इसको चलाने से पहले इस पे कुछ ना कुछ लोड हम डालेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अगर हम बग़ैर लोड के इसको ऑपरेट कर देंगे तो फिर ये ज़्यादा स्पीड की वजह से जो है ना डैमेज कर सकते हैं। देन हम ग्रेजुअली लोड इंक्रीज़ करेंगे और फिर देखेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो रिमेन कांस्टेंट, मतलब के मस्ट बी कांस्टेंट के, यानी कि जो इनपुट है वो आपने एक कांस्टेंट इनपुट देना है और सिर्फ लोड को आपने चेंज करना है। तो एज़ यू नो कि हम आजकल लैब को एक्सेस नहीं कर सकते, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस लैब ऑन यूजिंग मल्टीसिम। अच्छा जी, तो मल्टीसिम के चले मैं ज़रा सा आपको बता देता हूँ पहले सर्किट के बारे में, एंड आफ्टर दैट फिर इसको भी बनाएंगे, ठीक है। मल्टीसिम में भी उसी तरह बना हुआ है जो आपकी मोटर है, ठीक है, इसको हमने इसका आर्मेचर और फील्ड सीरीज़ में कनेक्ट करना है और 100 वोल्ट्स की एक सप्लाई देंगे। एंड देन ऑन द जनरेटर साइड हम जो है वो फील्ड को सप्लाई देंगे 100 वोल्ट्स की और लोड कनेक्ट करेंगे जो हमारा जनरेटर होगा उसके साथ, एंड देन जो आर्मेचर है उसके साथ लोड कनेक्ट करेंगे, और फिर एक रेडियंस टू आरपीएम कन्वर्टर हम लगाएंगे ताकि हमें स्पीड्स की फाइंड हो, और टॉर्क के लिए हम एक प्रोब लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये सारे हमारे पास इस वक्त, अच्छा ये भी हटा देते हैं,
ओके सो पहले हम चले जाते हैं मल्टी सिम के ऊपर, और ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पोस्ट भी कर सकते हैं, मुझे बोल भी सकते हैं। सो लेट्स ओपन मल्टी सिम एंड इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मल्टी सिम हमें ज़्यादा नज़र आए। ओके तो हम पहले जो मोटर का पोर्शन है वो हम बना लेते हैं जी, ठीक है। और मल्टी सिम में एज यू नो के सबसे पहले जब हमने कोई भी कंपोनेंट लेना हो तो हम जाते हैं प्लेस, और फिर प्लेस में हम क्लिक कर देते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। और अब हम कंपोनेंट्स में जाएंगे, हमें रेटेड मोटर चाहिए, ठीक है। तो हम आ जाते हैं रेटेड वर्चुअल के ऊपर, तो ये देखें रेटेड वर्चुअल, और फिर इसमें हमने जो हमारी जो डीसी मोटर है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी मोटर रेटेड के नाम से, ठीक है। ओके कर लें जी, तो ये मोटर आपके पास आ जाएगी, ये देखें जी मोटर आ गई। देन नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमें पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है। ये देखें पावर सप्लाई, तो अगेन प्लेस से भी आप उठा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बना हुआ है प्लेस सोर्स के लिए, तो आप जब इसको क्लिक कर लेंगे और फिर आपके पास काफ़ी सोर्सेज आ जाएंगी। तो जस्ट क्लिक ऑन पावर सोर्सेज, एंड एज यू नो कि हमारी जो मोटर है वो डीसी है, तो डीसी पावर पे आप क्लिक कर देंगे एंड हेयर यू गो, आपकी जो पावर है जो पावर सप्लाई है वो आ गई। देन एक ग्राउंड भी चाहिए आपको, तो ग्राउंड के ऊपर आप क्लिक कर दें ओके, और ये ग्राउंड भी आपको मिल गया, ठीक है। फिलहाल हम इसको क्लोज कर देते हैं एंड वी विल जस्ट मेक कनेक्शंस ऑफ दी मोटर साइड, ठीक है। और देन वी ऑल्सो नीड अ मल्टीमीटर, तो दो मल्टीमीटर चाहिए, ठीक है, एक वोल्टेज के लिए एक करंट के लिए। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर पे क्लिक कर लेते हैं, तो एक मल्टीमीटर हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज के लिए और दूसरा मल्टीमीटर हमारे पास आ जाएगा करंट के लिए। तो सिंपली जो वोल्टेज वाला मल्टीमीटर है इसको हमने रोटेट करना है, तो राइट क्लिक कर दें जी और रोटेट क्लॉकवाइज कर दें, और आप इसका जो शॉर्टकट है वो भी यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस आर, कीबोर्ड पे आप प्रेस करेंगे। एंड अब हम क्या करते हैं जी कि सबसे पहले हम ये मीटर्स कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एम मीटर हो गया जो हमने सीरीज़ में लगाना है, तो ये देखें इनपुट हम दे देते हैं इस फील्ड को, ये इसकी फील्ड है जी, और यहाँ से हम आउट लेके कनेक्ट कर देते हैं आर्मेचर को, और यहाँ से आउट हम ले जाएंगे सप्लाई के नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अच्छा तो अच्छा ये थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि फिर यहाँ पे सही नज़र नहीं आएगा, तो ये जी यहाँ पे मैंने लगा दिया है थोड़ा सा, ठीक है, आउट। अब इसका बड़ा अच्छा मतलब एस्थेटिक्स भी देखने हैं। ओके ग्राउंड भी हम कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, एंड ये वोल्ट मीटर हम कनेक्ट कर देते हैं। तो मल्टीमीटर में देखें जो जो मल्टी सिम में जो मल्टीमीटर है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डीसी वोल्टेज के लिए सेट होता है, तो ये तो हमारे पास वोल्टेज के लिए आ गया। और जो दूसरा मीटर है वो हमारे पास सेट होता है जो हमने सेट करना है एसी, सॉरी डीसी एम्पेयर्स के लिए, तो उसको हमें सेट करना होगा, हमें ए पे क्लिक करना होगा और डीसी अपनी जगह पे ये सेट है, ठीक है। देन वोल्टेज हम 100 कर देते हैं जी, ठीक है, इनपुट का वोल्टेज 100 है। एंड ये आपकी जो मोटर साइड के कनेक्शन है वो आपके पास कंप्लीट हो गए। एक और चीज़ है कि मोटर की रेटिंग्स, ठीक है, जो यहाँ पे एक स्लाइड है इसमें मैंने मोटर की रेटिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो जब आप डबल क्लिक करोगे तो फिर आपने यहाँ पे रेटिंग्स जो हैं इसको चेंज करना है। जस्ट आप इस पे भी ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन जो हमारे पास लैब में मोटर है तो उसी की तरह हम इसकी रेटिंग करेंगे, जिसमें आर्मेचर वोल्टेज 200 है, आर्मेचर का मैक्सिमम वोल्टेज भी 200 है,
आर्मेचर करंट 8.8 है, देन मैक्सिमम आर्मेचर करंट तो कम ही होगा, लेकिन क्योंकि ये सिमुलेशन है और यहाँ पे स्टार्ट में काफ़ी एक्सेसिव करंट्स ये इनपुट पे इसको मिल जाते हैं, तो दैट्स वाई आप इसको ज़्यादा कर दें। वैसे इतना ज़्यादा होगा नहीं जो मैंने 200 पे सेट किया है, लेकिन सिमुलेशन के लिए जस्ट आप इसमें 200 डाल दें ताकि आपका सर्किट बर्न आउट ना हो जो है, क्योंकि स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा, रेटेड फील्ड वोल्टेज 200 है, मैक्सिमम फील्ड वोल्टेज भी 200 है, रेजिस्टेंस और इसको हम इतना ही रहने देते हैं। हालांकि ये जो सीरीज़ और जो शंट है इसमें ओवरऑल आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन वो कंबाइंड होगा एक्चुअली, सो दैट्स वाई। तो जस्ट बाकी फैक्टर्स मैं उसी तरह रहने देता हूँ, जस्ट स्पीड को 1500 कर देता हूँ, चूँकि हमारे पास लैब में जो मोटर है उसकी रेटिंग्स के हिसाब से है। लेकिन खैर, बहुत ज़्यादा जब आप इसको देखते हैं तो इतना ज़्यादा भी ये मैटर नहीं करता, आप जो आपके पास ऑलरेडी जो स्पेक्स मौजूद है उस पर भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। अच्छा जी, तो ये हमारी मोटर की जो है सेटिंग हो गई है। अच्छा, इस डिज़ाइन को साथ साथ सेव भी कर लेते हैं डी में, मैं या ठीक है डी में सेव कर लेते हैं, ताकि अगर किसी वजह से सर्किट ऑफ मतलब स्टक हो जाए, क्रैश हो जाए हमारा सिस्टम, तो हम इसको वहीं से स्टार्ट कर सकेंगे। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं जी उसामा, सर मेरा नेट का मसला है, उसामा अकबर, ठीक है जी, तो देखें जब तक आप कनेक्ट रह सकते हैं तो रहें, और फिर अगर आप डिसकनेक्ट हो गए तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो मैं अपलोड करूँगा। अच्छा जी, और अब हम आ जाते हैं जो कि जनरेटर साइड है इसके ऊपर, और सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डीसी मशीन अपनी यहाँ पे जो जनरेटर है उसको रखना है। तो प्रीवियस लैब्स में मैं आपको करा चुका हूँ, और यहाँ पे देखें तो एक शॉर्टकट भी है हमारे पास, प्लेस इलेक्ट्रो मैगनेट इलेक्ट्रो मैकेनिकल के नाम से, जस्ट क्लिक इट एंड फिर आप मशीन्स पे क्लिक कर लें, तो यू विल गेट योर डीसी मशीन विद अ बाउंड फील्ड। तो इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दें, और उसके बाद प्लेस करने के बाद इसको आपने फ्लिप भी करना है हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ये जो मशीन के साथ इसका शाफ्ट लगेगा, ठीक है, ये अब ऐसे तो लगाएंगे तो तब भी लग सकता है लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने क्या करना होगा कि इसको राइट क्लिक करके और फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर दें, एंड देर इज़ आल्सो शॉर्टकट फॉर दैट, दैट इज़ अल्टरनेट प्लस एक्स, ठीक है, तो आप उसको क्लिक कर लें तब भी ये हो जाएगा। तो इन दोनों के शाफ्ट आपने मिला देने। आफ्टर दैट हमने क्या करना है कि यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई लगानी है, तो डीसी पावर सप्लाई तो ये मौजूद है, इसी को आप कॉपी कर लें जी, कॉपी करके इधर लगा दें। ग्राउंड भी मौजूद है, लेकिन खैर ग्राउंड की इधर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सर्किट को हमने ग्राउंड दिया हुआ है। एक बल्ब चाहिए और एक रियोस्टेट चाहिए, ठीक है, तो अगर रियोस्टेट चाहिए तो प्लेस बेसिक पे आप क्लिक कर दें जी, और यहाँ पे देखें सबसे नीचे पोटेंशियोमीटर है जी, पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टर, ये सब एक ही चीज़ के नाम है। तो पोटेंशियोमीटर आप उठा लें जी और इसको यहाँ पे रख दें, ठीक है, तो ये देखें ये आपके पास आ गया। एंड बल्ब अगर आपको चाहिए तो अगेन प्लेस बेसिक में नहीं आपको मिलेगा, बल्कि आपको ओवरऑल देखना होगा। जब आप इसमें जाते हैं प्लेस कंपोनेंट्स, और फिर इसमें आपको ऑल ग्रुप्स में जाना होगा, तो लैम का एक अपना अपनी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, ये देखें वर्चुअल लैम, तो वर्चुअल लैम्प हम यूज़ करते हैं, तो इसको आप ओके कर दें तो एक लैम्प आपके पास आ जाएगा। ओके, कुछ मीटर्स भी हमें चाहिए जी, एक मल्टीमीटर, तीन मल्टीमीटर और चाहिए, एक हमारे पास जो ये मल्टीमीटर था पहला जो हमने लगाया है, ये फील्ड जो हमारे जनरेटर की फील्ड होगी उसके लिए है, दूसरा मल्टीमीटर आउटपुट वोल्टेज के लिए है, ईएमएफ जो जनरेट होगा, और आखिरी मल्टीमीटर जो है हमारे पास दैट इज़ फॉर दी आउटपुट करंट, ठीक है, तो करंट, लोड करंट और लोड वोल्टेज के लिए। अब इन चीज़ों को हम सेट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि अपने रियोस्टेट को
जो कि हमारी डिजायर्ड पोजीशन है उस पर ले आते हैं। और सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको रोटेट कर देना है। ठीक है, रोटेट हमने किया, उसके बाद हम इसको फ्लिप भी कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया है जी, एंड इसको हम कनेक्ट कर देते हैं और इसको 50% पे ही रखा हुआ है। अच्छा, मीटर को हमने फ्लिप नहीं किया, देखें मीटर जो है इसको भी हमने फ्लिप करना है ताकि हम इनपुट प्लस को दें जी। तो मैं कंट्रोल आई, सॉरी अल्टरनेट से ही होता है, लेकिन चले हॉरिजेंटली हम अल्टरनेट एक्स से भी हो जाएगा। और ये जो सेंटर वाला जो टर्मिनल है इसको हम एज आउटपुट यूज़ करेंगे, और ये कनेक्शन हमारे बन गए जो कि हमारी एक डीसी सोर्स हमने फील्ड को एक्साइटेशन के लिए देनी थी। ओके, इनको मैं ज़रा सा करीब भी कर देता हूँ ताकि आसानी से आपको नज़र आए। ओके, देन अब हमने क्या करना है कि जो हमारे लोड है उसको कनेक्ट करना है। सबसे पहले इसको राइट क्लिक करके, और ठीक है, इन सब को रोटेट कर लें आप जहाँ पे आपको ज़रूरत है रोटेट करने की। ओके, सो आर्मेचर से जो कनेक्शन आ रहा है तो हम एम मीटर के थ्रू आगे जाएगा। लोड को, ठीक है, ये देखें जी, लोड को मैंने कनेक्ट कर दिया, एंड देन देन यहाँ पे वोल्टेज के लिए भी हम कनेक्शन लगा देंगे जी। अच्छा, कॉन्फ़िगर करना ना भूलिएगा, जो करंट के लिए आप यूज़ कर रहे हैं उनको ए सेलेक्ट करना, क्योंकि ये सारे जो मीटर्स हैं ये डीसी वोल्ट्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सेट हैं। अच्छा जी, तो कनेक्शन हमारे हो गए हैं। जस्ट हमने क्या करना है कि तो 120 कर देते हैं, लोड को हम 100 से स्टार्ट कर देते हैं, 100 वाट से। अच्छा जी, तो कनेक्शन हमारे बन गए हैं। वैसे इसको मैं इधर ले आता हूँ, और इसमें जो चीज़ अभी हमारे पास रह गई है दैट इज़, एक तो हमने इनके कलर चेंज करने हैं, ठीक है, जो हमारे नेगेटिव हैं इन सब को हम ब्लैक कर देंगे जी। तो इनका नेट कलर हम ब्लैक कर देंगे, ये जी ब्लैक हो गया, एंड देन हमारे पास जो आरपीएम के लिए हमारे पास, ठीक है, एक तो टॉर्क का हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, इसको ये टॉर्क ऑलरेडी गिवन है, इसको आप डबल क्लिक कर लेंगे, और फिर यहाँ से मेजरमेंट प्रोब से आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट उठा लेंगे। तो आप इसको यहाँ लगाएंगे तो अब ये जो वोल्टेज है ये आपको टॉर्क बताएगा जो कि V होगा, ठीक है। और फिर हमने एक यहाँ पे आरपीएम काउंटर लगाना है, तो आपको पता है आरपीएम काउंटर लाइब्रेरी में नहीं होता बल्कि सैंपल्स में हमें मिलता है। तो हम ओपन सैंपल्स पे क्लिक कर देते हैं, एंड देन वी गो टू मशीन्स, और फिर यहाँ पे हमारे पास डीसी मोटर टॉर्क स्पीड का एक सैंपल है, उसमें हम चले जाते हैं। और फिर ये देखें जी, इधर एक ये हमारे पास कन्वर्टर पड़ा हुआ है जो कि रेडियन पर सेकंड से आरपीएम में कन्वर्ट करता है। तो इसको कॉपी कर लें, वापस अपने डिज़ाइन पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो शाफ्ट पे रेडियन पर सेकंड में जो वैल्यू आ रही है वो अब हमें क्या होगी, आउटपुट पे वोल्टेज में मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये देखें जी, ठीक है। अच्छा जी, बाकी हमने अपने मोटर की जो जनरेटर था, सॉरी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हमने करनी है। तो हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, और जस्ट बाकी चीज़ें वो सेम रहेंगी। आपने क्या करना है, जो आर्मेचर फील्ड की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसको ज़्यादा कर देना है, ये जितनी ज़्यादा होगी उतना आउटपुट जनरेट होगा। तो मैंने इसको 500 कर दिया, और अगर आप स्लाइड्स में भी देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे बाकी चीज़ें सेम होंगी, जस्ट ये 500 आपको नज़र आ रहा है।
ओके सो हमारा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गया जी, और इसको मैं साथ सेव भी कर लेता हूँ। एक दफ़ा इसको प्ले कर देते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पांस हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये इनपुट का वोल्टेज है 100, ये जी करंट है, काफ़ी कम करंट इस वक्त ले रही है, 648.6 मिली एम्पेयर्स। आउटपुट का करंट आ गया है जी, और आउटपुट का वोल्टेज भी आ गया, तकरीबन 30 वोल्ट्स आउटपुट पे आ रहे हैं। तो बल्ब अगर आपने रोशन करना है तो इसको आप इस वोल्टेज को कम कर दें, तो फिर आपके पास ये आपके पास जो जनरेशन है वो आ जाएगी। अच्छा जी, तो अगर हम देख लेते हैं जो रीडिंग्स हमारे पास हैं, ये पहले से मैंने इसमें नोट की हुई हैं, तो इन्हीं रीडिंग्स को हम कंफर्म कर लेंगे। और ठीक है, तो जो फर्स्ट रीडिंग है दैट इज़ 100 वोल्ट्स इनपुट। अच्छा, ये सारे जितने भी जो मेजरमेंट्स हैं मैं इधर ले आता हूँ ताकि आसान हो जाए। तो 100 वोल्ट्स इनपुट है जो हमने दिया हुआ है जी, और तकरीबन यहाँ पे करंट काफ़ी ज़्यादा है इनपुट, तो मुझे अपना शायद लोड ज़्यादा करना होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मोटर जो है वो, अच्छा नहीं, 648 ले रहे हैं। ठीक है, ये जनरेटर की साइड का मैं देख रहा, ठीक है, 648.697 इनपुट है जी। आउटपुट पे जो वोल्टेज है दैट इज़ 30.912, ठीक है, और फिर 214 है, तो मीन्स के अभी हम ज़रा सा इसका वोल्टेज भी थोड़ा कम कर देते हैं, ओवरऑल हम इसको अगर 40 वोल्ट्स कर देते हैं तो फिर हम देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। एंड ज़रूरी नहीं है कि यही रीडिंग्स हों, लेकिन अब तकरीबन यही रीडिंग्स हमारे पास आ गई हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप देखें स्पीड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इसकी आ रहे हैं, आरपीएम जो कि 2960 है। ठीक है, ये 2.96 kV हैं जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, बाकी सब कुछ सेम आ गया। अच्छा, जो हमारा ये देखें जो कि हमें, मैं इसको इधर ले आता हूँ, अच्छा जो टॉर्क हमें मिल रहा है, ठीक है, टॉर्क है 191 मिली वोल्ट्स, तो मतलब कि 0.191। अगर ये नेगेटिव में मिल रहा है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये मोटर की रोटेशन पे, अगर हम इसकी रोटेशन रिवर्स कर देंगे तो फिर आपको पॉजिटिव में मिलेगा, लेकिन जो वैल्यू मिल रही है सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग हमारी कन्फर्म हो गई है, यहाँ पे जो हमने इनपुट दिया था, ऐसा मैं इसको अगेन थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, तो यू कैन सी, तो 100 वोल्ट्स का हमने इनपुट दिया था इसको, और ये देखें 100 वोल्ट्स का इनपुट है, 648 मोटर करंट ले रही है इनपुट पे, 2.960 यानी 2960 हमारे आरपीएम आ रहे हैं। ये इतने ज़्यादा होंगे नहीं, जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो ये आरपीएम कोई 1400-1500 के करीब होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि सिमुलेशन है तो वी हैव टू बेयर विद इट। एंड देन लोड करंट 1.911 है जी, और ईएमएफ 30.572 है, और 191 न्यूटन पर मीटर सेकंड हमारे पास इसका टॉर्क आ रहा है। सो दीज आर दी रीडिंग्स, और थोड़ा सा अगेन मैं ज़रा सी इसकी लोकेशन चेंज करता हूँ ताकि आसानी हो हमें इसको रीड करने में। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको स्टॉप करके और हमने इनपुट को हमने ज़्यादा कर देना है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉरी जो लोड है उसको ज़्यादा कर देना है, तो अब लोड को मैं 150 वॉट्स कर देता हूँ जी, एंड 150 वॉट, बल्कि इस तरह करते हैं कि इसको 200 कर देते हैं। ठीक है, 100 का हम इस पर, ठीक है, 200 वॉट्स हम कर देते हैं, और अब हम प्ले करते हैं इसको।
तो अगर आप देखें यहाँ पर तो जो इनपुट है वही 100 है। अब जो सेकंड रीडिंग में आपके लिए कंफर्म कर रहा हूँ, तो 100 वोल्ट्स 648.697 इनपुट करंट हमारे पास आ गया है। अच्छा, जो आरपीएम है वो आपको चेंज होते हुए नज़र नहीं आएंगे यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ये आइडियल कंडीशन है, लेकिन जब आप लैब में इस तरह लोड इसके ऊपर डालोगे तो बहुत ज़्यादा आरपीएम हमारे चेंज होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर 2960 से रिड्यूस करके इसको 2760 मैंने कर दिया है, जो कि एक्चुअली लैब में हो रहा होगा, ठीक है। और लोड करंट हमारा 3.755 है जी, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ईएमएफ हमारा ड्रॉप हो गया, ठीक है। लोड जब ज़्यादा होगा तो ईएमएफ क्या होगा कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो वोल्टेज भी कम हो रहा है। तो पहले 30.572 था, अब 30.2 हो गया, और टॉर्क ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे जैसे मोटर के ऊपर लोड ज़्यादा आएगा तो वो एफर्ट ज़्यादा लगानी शुरू हो जाएगी, तो इट मीन्स कि आपका जो टॉर्क है वो ज़्यादा हो रहा है। तो देखें टॉर्क अब आपका 377 मिली वोल्ट या 0.377 न्यूटन पर मीटर सेकंड पे पहुंच गया। ओके, सिमिलरली अब मैं लोड इसका और ज़्यादा कर देता हूँ 300 पे, ठीक है जी। अब प्ले करते हैं और थर्ड रीडिंग कंफर्म कर लेते हैं जी, ठीक है। तो 100 वोल्ट 648.67 आप देख सकते हैं। आरपीएम मैंने अगेन 200 इसके ड्रॉप कर दिए हैं, 2560 हो गया है। लोड करंट 5.594 हो गया है, जो कि वोल्टेज है, ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो भी ड्रॉप हो गया है, एंड ओवरऑल जो है रीडिंग्स आपकी सारी यहाँ पे कंफर्म हो रही हैं। टॉर्क अब हमारे पास हो गया है 0.559। अगेन नेक्स्ट रीडिंग की तरफ हम जाते हैं और हम इसके अब 400 वॉट्स का लोड इस पे हम डाल देते हैं, ठीक है। लेट्स प्ले इट एंड यू सी 100 वॉल्ट 648.693 मिली एम्पेयर्स। आरपीएम अगेन मैंने 200 ड्रॉप कर दिए हैं, 2460। लोड करंट 7.37 हो गया है जी। ईएमएफ ड्रॉप टू 29.48 एंड टॉर्क हमारे पास इंक्रीज़ हो गया है 0.737 न्यूटन पर मीटर सेकंड। तो ये सब आपको यहाँ पे कंफर्म हो रही है रीडिंग्स। लास्ट रीडिंग की तरफ हम जाते हैं, तो जस्ट हम क्या कर देते हैं कि अब लोड को 500 वॉट्स कर देते हैं, एंड 500 वॉट्स करने के बाद जब मैं इसको प्ले करूँगा तो यू सी के 100 वोल्ट इनपुट 648.697 इज़ द इनपुट करंट। देन यू हैव स्पीड अगेन हाई डिक्रीज टू 2260। लोड करंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 9.104 एम्पेयर्स। ईएमएफ हमारे पास ड्रॉप हो गया है 29 वोल्ट पर, एंड जो टॉर्क है वो इंक्रीज़ हो गया है 0.910 न्यूटन पर मीटर सेकेंड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना होगा कि आपने ग्राफ बनाना होगा, ठीक है, जो कि लोड करंट और टॉर्क के दरमियान है और फिर लोड करंट और स्पीड के दरमियान है। तो ये जो सैम्पल है यहाँ पे गिवन है, एंड फिर उसके बाद आपने कंक्लूजन जो है वो लिखना होगा। अच्छा जी, सो लेट्स कम टूवर्ड्स द अटेंडेंस, एंड फिर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम ले लेंगे जी। और ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ स्क्रीन शॉट नाउ। मीन वाइल आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी है तो जस्ट आप चैट में लिख दें जी कि नो क्वेश्चंस, तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नो क्वेश्चन। अच्छा जी, जो लोग प्रेजेंट हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ जी। आसिफ हैं, एंड कलीम हैं, बुरहान हैं, नुमान हैं, सैयद अली रज़ा हैं, शायान हैं, सुहेल हैं और
उबैद है, ठीक है, सही है जी। तो नो क्वेश्चंस। अच्छा, एक बंदा जो चला गया था यासीन, उनकी मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। और मेरे ख्याल से एक जो थे उसामा उसामा अकबर, जिनका नेट का इशू था, तो उनकी मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। ये है जी यासीन एंड जो द अदर वन वाज उसामा। ओके, जिन लोगों ने एक समीउल्लाह भी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो एक स्क्रीनशॉट मैं और ले लूँगा, आप लोग जाएँ ना ताकि सब आ जाएँ स्क्रीनशॉट में, क्योंकि ये एक बंदा और ज्वाइन अभी किया है, शायद डिसकनेक्ट हो गए थे। ओके, अब अगर मुझे मैं आ जाता हूँ आपके ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है, और ग्रुप्स में मैं ज़रा देख लेता हूँ कि यहाँ पे जो ग्रुप्स आप लोगों ने जमा किए हैं, अच्छा जी, तो ठीक है, क्लास वर्क पे आ जाते हैं। तो अभी तक कलीम ने अपने ग्रुप का मेंशन कर दिया है, सैयद अली रज़ा ने मेंशन कर दिया, और यासीन ने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो बाकी भी जो लोग हैं, आप लोग काइंडली अपने, अगर ग्रुप्स नहीं बने तो अपने ग्रुप्स को यहाँ पे मेंशन करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर मैं आप लोगों को फाइनल के लिए मिनी प्रोजेक्ट असाइन कर दूंगा। एंड वो आसान होंगे, जस्ट आपने ये करना होगा कि मैं मल्टी सिम इंस्टॉल करना होगा, और मल्टी सिम के ऊपर ही आपने कुछ ना कुछ उसको करना होगा। एंड मल्टी सिम जो है उसका भी मैंने लिंक यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपकी लैब्स हैं यहाँ पर, जो आपकी लैब की स्ट्रीम है, ये देखें इधर मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, और इसके ऊपर आपने जाके मल्टी सिम जो 12 है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। दिस इज़ मल्टी सिम 12, और ये काफ़ी आसानी से यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और फिर इसी के अंदर ही कुछ सैम्पल्स हैं जो हम एज अ प्रोजेक्ट में आपको दूंगा। अच्छा जी, तो क्लास, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन द सेशन इज़ ओवर, यू कैन लीव इट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो समीउल्लाह आपका नाम हजरत अली है, आईडी है 373, तो ये आप अलग से उस पर यूज़ कर रहे हैं, किसी और की आईडी यूज़ कर रहे हैं आप? अच्छा, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ,
तो आप कोशिश करें कि अपने नाम से एक ईमेल बना लें और उसी ईमेल को आप यहाँ पे जो है वो उसी ईमेल से आप ज्वाइन किया करें, ठीक है। ओके, सो नुमान एंड शायान, क्लास हम सेशन हमारा ओवर हो गया। तो अगर आपने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ यू कैन लीव द सेशन। जी वालेकुम सलाम। जी, शरहन जी, किस बारे में? हेलो जी शायान, थोड़ा सा बता दें किस बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। अच्छा, मिनी प्रोजेक्ट के बारे में। ओके, अच्छा जी, मिनी प्रोजेक्ट के बारे में शायान इस तरह है। जी, मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो खैर है, इफ़ यू डोंट हैव लैपटॉप, इफ़ यू डोंट हैव द लैपटॉप, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप किसी, मतलब चार बंदों का ग्रुप बनेगा, तो कोई एक स्टूडेंट होगा जिसके पास लैपटॉप होगा, तो वो उस पे सिमुलेशन जो है वो बना लेगा, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो जो है उनके साथ ऑनलाइन किस तरह कोलेबरेट कर लें। एंड वो खैर मैं आपको नेक्स्ट वीक बता भी दूंगा, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर लैपटॉप नहीं भी है। अच्छा जी, तो शायान जस्ट मैं आपको ज़रा सा गाइड कर देता हूँ कि इस वक्त आपने क्या करना है, कि इस वक्त आपने जस्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है न्यू असाइनमेंट फाइनल मिनी प्रोजेक्ट्स ग्रुप, तो आपने यहाँ पे चले जाना है एंड देन जो मिनी प्रोजेक्ट, जी, जो मिनी प्रोजेक्ट के ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे जस्ट आपने, मैंने एक असाइनमेंट दिया हुआ है, तो वहाँ पे वर्ड फाइल में
आपने अपने ग्रुप का जो नाम है वो दे देना है। मतलब कि जिस तरह आप देखें तो अगर कलीम का मैं आपको बता दूं तो जस्ट एक फ़ाइल आपने अपलोड करनी है जिसमें आपके ग्रुप मेंबर्स के नाम होंगे कि इन बंदों के साथ हमारा ग्रुप है। तो फिर उस ग्रुप को मैं एक प्रोजेक्ट असाइन करूँगा नेक्स्ट वीक, और वो मैं समझा भी दूंगा कैसे करना है। इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? तो इस ठीक है वक्त सर, सर इसका मसला नहीं, सर इसका मसला नहीं, सर टफ नहीं हो तो हम कर लेंगे सर, लेकिन लैपटॉप नहीं है सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर। जी, वो खैर मैं इस तरह है कि चार बंदे आप होंगे ना ग्रुप में, तो एक जो स्टूडेंट है वो लैपटॉप पे उसको बना लेगा और फिर बाकियों के साथ वो शेयर कर देगा। तो इतना हाँ, तो ग्रुप में होगा वो काम। तो एक एक ग्रुप में एक बंदे के पास, ऐसा ग्रुप बनाएगा जिसमें एक बंदे के पास लैपटॉप हो, तो वो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ओके सर, ठीक है ना? यस सर, ठीक है, और आसान होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं गाइड करूँगा आपको, ठीक है? सर बस सिर्फ इसमें नाम लिखे सर, आपने जो कहा है कि असाइनमेंट जो आपने दिया है ना ग्रुप में, जो मिनी प्रोजेक्ट है सर, जी जी सिर्फ जी आपने नाम लिखे ग्रुप के। जी 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 सिर्फ नेम्स आपने मेंशन करने हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, ओके, वेलकम। अच्छा इसलिए जी सर कि इस तरह सर आवाज भी नहीं आ रही सर, आपको पता लगेगा सर। जी जी बिल्कुल, मुझे पता चल रहा है, और मैं इसी वजह से रिकॉर्डिंग भी अपलोड करता हूँ साथ में, ताकि जो जिन लोगों का इंटरनेट का इशू है तो वो उसको देख सकें। तो जस्ट हाँ, ये है कि ओवरऑल बस आप रिकॉर्डिंग देख लें, और बाकी जो एक्सपेरिमेंट है उसके तो रीडिंग सारी आ गई हैं। तो जस्ट एक रीडिंग उसमें आपने कैलकुलेट करनी है इनपुट पावर की, और बाकी जो कंक्लूजन और ग्राफ वगैरह है वो बनाने हैं। ठीक है सर, ओके जी, ओके, वेलकम वेलकम। सर हम जा सकते हैं? जी, बिल्कुल, बस क्लास इज़ ओवर, आप लोग लीव कर सकते हैं सेशन। ओके सर, थैंक यू। वेलकम।